हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आर सी एम क्लास क्लास सिक्स। टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर फोर, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। आज हम चैप्टर फोर स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। अब देखिए, सबसे पहले तो इसका मेन ही हमें पता होना चाहिए जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल। टू वर्ड से मिलकर बना है, जियो प्लस मैट्रिकल। जियो मीन्स क्या होता है? अर्थ। एंड मैट्रिकल ग्रीक वर्ड है, इसका मेन डायरेक्ट मीन होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट जियो मीन्स अर्थ एंड मैट्रिकल मीन्स मेजरमेंट। इट मीन्स अर्थ पर जो भी चीज प्रेजेंट है हमारे पास उनकी मेजरमेंट का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास कस्टर, कस्टर का एग्जांपल लेते हैं। अब कस्टर की मेजरमेंट करेंगे लेंथ के हिसाब से। लेंथ हमारे पास कितनी, इसकी लेंथ है, तो लेंथ का मेजरमेंट जैसे कस्टर हमने ये बनाया रोड पर, तो लाइक दैट इसके पॉइंट फिक्स की, तो ये कस्टर एक छोटा सा एग्जांपल कस्टर बनाया हमने। अब उसकी मेजरमेंट करनी है लेंथ ब्रेथ, तो हम स्केल के थ्रू एक स्केल से हम उसकी लेंथ को मेजरमेंट करेंगे। इसके जो पॉइंट है फिक्स, इस पॉइंट पर हमने सपोज ए, ये बी, ये सी और ये डी। जैसे डस्टर के एक एग्जांपल से हम समझते हैं इसको, तो डस्टर की जो हमारे पास लेंथ है उसको मेजरमेंट स्केल के थ्रू कर लेंगे, ए बी कितना है एंड बी सी कितना। तो बी सी जो होगा वही हमारे पास ए डी होगा, ए बी जितना आएगा वही हमारे पास क्या होगा डी सी। लाइक एक रेक्टेंगल शेप का है हमारे पास, जो डस्टर है इस शेप का है रेक्टेंगुलर शेप। तो रेक्टेंगुलर में क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल, तो हम इसका इजीली हम मेजरमेंट कर सकते हैं। और भी एग्जांपल है जो आप डेली रूटीन में काम में लेते हो, जो भी आप देखते हो कंस्ट्रक्शन होता है, जो भी हम चीज़ें नहीं बनाते, तो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको डिसाइड करते हैं कि उसकी मेजरमेंट क्या है। तो देखिए, मेजरमेंट जैसे हमने नाम दिया मेजरमेंट, तो इसमें सीधा सा स्टार्टिंग हमारे पास किससे होगी, पॉइंट्स। किसी भी चीज़ की अगर हम मेजरमेंट करें तो उसकी स्टार्टिंग ऑलवेज किससे होती है, पॉइंट्स। जैसे मैंने अभी एक डस्टर पे एग्जांपल दिया, तो डस्टर का जो कोई भी है स्टार्टिंग पॉइंट हम अज्यूम करें तो वह फिक्स पॉइंट होगा, जैसे ये ए, और इसका लास्ट पॉइंट क्या होगा बी। तो पॉइंट मैटर करता है किसी भी मेजरमेंट में, कि उसका स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट कौन सा है और फिनिशिंग पॉइंट कौन सा है। तो ओवरऑल हम क्या कर लेते हैं, उसकी मेजरमेंट कर लेते हैं और उसको राइट कर लेते हैं। तो पॉइंट मैटर करते हैं, पॉइंट्स को ऑलवेज कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं। तो पॉइंट्स की डेफिनेशन में आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखोगे, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं पॉइंट्स। कोई भी एक सिक्स पॉइंट होगा, जैसे ये पॉइंट हमने बना दिया, तो ये कोई पॉइंट है जो हमने कैपिटल लेटर्स, तो इसकी कोई हमारे पास मेजरमेंट नहीं होती पॉइंट की। पॉइंट्स हमारे पास वो डिसाइड करता है इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास लाइन सेगमेंट। नंबर वन हमारा पॉइंट हो गया, सेकंड हमारे पास है लाइन सेगमेंट। अब देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता है, हमारे पास टू फिक्स पॉइंट है, इसमें ये तो टू फिक्स पॉइंट, इसको हमने बोल दिया ए, इसको हमने बोल दिया बी। टू फिक्स पॉइंट अगर इनको ज्वाइन कर दें और ये स्टार्टिंग और फाइनल फिक्स है हमारे पास, ना तो ये इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं ना बी को इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये फिक्स है हमारे पास, दोनों साइड इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो फिक्स जो हमारे पास पॉइंट है और उन पॉइंटों को हमने ज्वाइन कर दिया, तो वो होगा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को ऑलवेज हम जो डिनोट करते हैं वो है, लाइन सेगमेंट को ऑलवेज डिनोट करेंगे हम कैपिटल लेटर से। जैसे ये हमारे पास ए बी हो गया, तो ए बी जो लाइन सेगमेंट है इसको ऊपर लगाएंगे पाव, लाइन सेगमेंट का रिप्रेजेंटेशन ए बी पाव। ओके, जैसे ए से स्टार्ट हुआ बी पर फिनिश हुआ, इसको लिखेंगे हम ए बी पाव। सपोज कोई पॉइंट मान लो ये बी से स्टार्ट हो रहा और ए पे फिनिश हो रहा, तो हम इसको लिखेंगे बी ए पाव। बी से स्टार्ट हो रहा है और ए पर फिनिश, जिससे स्टार्ट हो रहा है उसको स्टार्टिंग में राइट करेंगे, फिनिश हो रहा है उसको पार कर। तो ये लाइन सेगमेंट के एग्जांपल। नेक्स्ट नंबर थर्ड है हमारे पास लाइन।
लाइन को भी डिस्कस कर लेते हैं। लाइन सेगमेंट और लाइन में डिफरेंस है, ध्यान रखना होगा। लाइन सेगमेंट होती है फिक्स लाइन, और लाइन लाइन क्या होती है हमारे पास, जैसे टू पॉइंट हमारे पास बिल्कुल सेम ए एंड, लेकिन इसमें दोनों साइड एरो होंगे स्टार्टिंग और लास्ट, दोनों साइड क्या होंगे एरो। इसका मतलब ए को इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं हम, बी को इधर इस साइड भी एक्सटेंड, दोनों साइड मतलब दोनों पॉइंट को एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो वो क्या होगा लाइन। तो लाइन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो होगा हमारे पास जैसे ए से स्टार्ट कर रहे हैं बी पर फिनिश हो रहा है, तो दोनों साइड एरो होगा, उसके ऊपर क्या होगा दोनों साइड एरो, तो उससे ही पहचान जाएंगे कि वो लाइन है। तो लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है, लाइन सेगमेंट फिक्स होता है और उसको सिंपल पार्ट बस सिंपल एक लाइन से डिनोट करते हैं, दोनों साइड आप इसको बढ़ा नहीं सकते, ये फिक्स लेंथ होती है लाइन सेगमेंट। लेकिन लाइन में क्या है दोनों साइड इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, दोनों साइड एरो नजर आएगा आपको, तो इसको रिप्रेजेंट भी ऐसे करेंगे, वो जो बार है उसके दोनों साइड हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे एरो, तो ये लाइन होगी। अब जैसे ए से स्टार्ट हुआ बी से फिनिश हुआ, तो स्टार्टिंग पॉइंट को पहले भाई और लास्ट वाले को बाद, ऐसे मान लो बी से स्टार्ट हो तो ए से फिनिश हो रहा है, तो बी ए ही देंगे इसको और दोनों साइड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सिंपल बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज हमने आज स्टार्ट किया है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें उनको क्लियर किया, पॉइंट्स लाइन सेगमेंट लाइन, आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में और आगे डिस्कस करेंगे।